किस मुकाम पर जाना है या हम कब तक अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। अजनबी को भी पता नहीं होता कि हमने कहाँ पहुंचना है और कहाँ नहीं पहुंचना। अल्लाह इसके चेहरे को तरोताजा रखता है जो हदीस सुने और आगे बढ़ा दे। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर कोई अहदीस हम आपसे शेयर करते हैं तो वो लोगों तक पहुंचाएं ताकि उसका स्वाब आपको भी मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का वजीफा बहुत प्यारा है, बहुत लाजवाब है। अगर आप अपनी बीवी के लिए करना चाहते हैं या बीवी अपने शोहर के लिए करना चाहती हैं, बहन भाई जो हैं हमारे चैनल पर हैं, अगर उनको इस किस्म के वजीफे की जरूरत है तो ये भी हमने किसी की फरमाइश पे वजीफा आपके सामने पेश कर रहे हैं। मियाँ बीवी में बाहमी मोहब्बत पैदा करने के लिए आज मैं वजीफा बताऊंगी। मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना है कि मेरे जो शोहर हैं वो मुझे बहुत मारते हैं, हम मुझे खर्चा भी नहीं देते, यानी पैसे भी नहीं देते, और मेरे 7 बच्चे हैं लेकिन मुझे बंदी जितने भी पैसे देते हैं वो इतने कम होते हैं कि मैं उन पैसों का कोई फायदा नहीं है, तो मुझे वो पैसे बहुत कम लगते हैं। तो आज उसी सिलसिले में बात करेंगे। ये वजीफा बहुत प्यारा है, इस वजीफे को कसरत से जो है खवातीन पढ़ें। और एक बात याद करवा दूं कि अगर आपने आपके शोहर घर आते हैं उससे पहले आपने एक चीज तैयार करके रखनी है। आप जो चीज आग में ना पकी हो, जैसे आप मीठा शरबत तैयार कर सकते हैं, मीठा दूध, चाय, ठीक है, या आप चाय इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चाय का इस्तेमाल पता है किस तरह करना है आपने? चाय आप बनाकर पहले रख लें, आधा घंटा पहले, ठीक है, बना के रख लें। जैसे ही आपकी उसके ऊपर पहले से ही आधा घंटा पहले ही आप दम कर दें। दम करने के बाद आपने जो है बाद में बेशक 10 दफा गर्म करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आधा घंटा पढ़ाई करके उसके ऊपर आपने रख देना, ठीक है। आपने या कबीरू आपने या कबीरू का विर्द करना है, ठीक है। इतनी आपने क्या करना है, आपके हस्बैंड के दरमियान इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। या कबीरू का विर्द आपने करना है कम अज कम 33 मरतबा या फिर 72 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। उस चाय पे, पानी पे, मीठे पे, मिठाई पे, चीनी या कोई मिठाई होती है उस पे, खीर हो, घर में कुछ मीठा बने उसके ऊपर आप दम कर दें। आप दम करके आपस आपका ये काम खत्म हो गया। तो इंशाल्लाह आपस में इतनी वाहमी मोहब्बत होगी कि आपकी सोच है, ठीक है। आप एक दफा ये अमल करके देखें, आप यकीन माने 3 से 4 दिन आप ये अमल करें, ज्यादा दिन नहीं कहूंगी, या फिर 1 हफ्ता आप ये अमल करें। इस अमल का असर फिर देखिएगा जब इसके 3 दिन या 7 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। ये एक ऐसा वजीफा मैं आपको बता रही हूँ जो मोहब्बत जो मियाँ बीवी में बाहमी रखने के लिए बहुत लाजवाब है। आप जरूर कीजिएगा और इंशाल्लाह इसका जो मतलब कि फर्क है आपके सामने वाजिया होगा। आप अगर इस्तखारा करवाना चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपका भरपूर मदद करूंगी, वो भी आपको जो भी आप पूछना चाहेंगे बता दूंगी। और साथ में आपसे यही गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई बात आपको पसंद आती है तो लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में करें। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।